आज की वीडियो हमारी है चैट जीपीटी टूल के ऊपर कि किस तरह से हमने चैट जीपीटी के टूल पे लॉगिन करना है और साइन अप करना है, अकाउंट क्रिएट करके हमने कैसे उसको कमांड देनी है, किस तरह से हमने यूज करके कंटेंट जनरेट करना है अपना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनलिमिटेड स्किल्स। जैसा कि हमारी कंटेंट राइटिंग की प्लेलिस्ट कंटिन्यू है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने कैसे अपने कंटेंट को एआई से डिटेक्ट होने से बचाना है। आज की वीडियो हमारी है चैट जीपीटी टूल के ऊपर कि किस तरह से हमने चैट जीपीटी के टूल पे लॉगिन करना है और साइन अप करना है, अकाउंट क्रिएट करके हमने कैसे उसको कमांड देनी है, किस तरह से हमने यूज करके कंटेंट जनरेट करना है अपना। अगर आप हमारी इस वीडियो पे न्यू आए हैं, प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस का लिंक मौजूद। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की कीवर्ड्स की, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, प्लैगियरिज्म कैसे चेक करनी है, ग्रामर कैसे मिस्टेक सॉल्व करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम चैट जीपीटी के अकाउंट पे साइन अप करेंगे। सर्च बार पे आके लिखेंगे चैट जीपीटी। हम द फर्स्ट वन ये चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर तो आप में से किसी ने पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो वो लॉगिन कर लेगा, अगर नहीं किया हुआ तो हम इसे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर आपका कोई अकाउंट लॉगिन है तो हम इसे कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद जो आपका गूगल अकाउंट कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे सामने आ जाएगा, हमें से कोई एक चूज कर लेंगे। आप चूज करने के बाद क्या होगा कि ये आपका अकाउंट जो है उसी गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। अब ये चैट जीपीटी का जो है वो फ्रंट डैशबोर्ड है कि आप किस, यहाँ पे एक इन्होंने सर्च बार दी हुई है जहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एआई टूल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी आपको उसका रिजल्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। और ये जो साइड पे आपको बार्स नजर आ रही हैं, इन बार्स के ऊपर क्या है कि इन बार्स में आपका प्रीवियस डाटा सेव होता है कि आपने प्रीवियस जितनी भी सर्चेस की होंगी, कोई आर्टिकल लिखा होगा, कोई कंटेंट लिखा होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे सेव होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन टूल्स के जरिए हमने, इन टूल्स को हमने कमांड कैसे देनी है, कि कैसे हम इन टूल को सिर्फ एक लाइन की कमांड देंगे, दो लाइनों की कमांड देने के बाद हम इनसे अपना पूरा का पूरा आर्टिकल जनरेट करवा लेंगे, और कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिनसे के हमारा जो आर्टिकल होगा वो प्लेजरिज्म फ्री होगा, ठीक है, और वो ह्यूमन रिटर्न भी ज्यादा आएगा और उसके अंदर जो है ग्रामर मिस्टेक्स भी कम होगी। बाकी ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए हम टूल्स का यूज कर लेते हैं, एक्सटेंशन का यूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कोई कमांड देके, जैसे कि अगर बेसिक को सिंपल कमांड दें राइट इंट्रो ऑफ, तो ये हमें एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख के दे देगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आज की वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।